हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बेसिकली हम पेपर सॉल्व करेंगे, मेमोरी मैनेजमेंट का जो हमारा सेक्शन है उसके अंदर। देखो, साल 2017 में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में बीटेक वालों को ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था हमारा पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के ऊपर था कि हमें ये रेफरेंस स्ट्रिंग दी हुई है और हमें कहा गया कि आप फीफो, LRU और हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये तीनों एल्गोरिथम लगाओ और ये बताओ कि भाई किसके अंदर सबसे कम हमारे पास पेज फॉल्ट आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन आते रहे हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि भाई कैसे चलेगा। फीफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या कंसेप्ट होता है फीफो के अंदर कि किसको रिप्लेस करोगे आप रिप्लेस करोगे उसको जो ज़्यादा टेल से स्टे कर रहा है मेमोरी के अंदर। ठीक है, सीधा सा कॉन्सेप्ट। तो देखो कैसे चलना है, एक बार मेमोरी हमें फ्रेम गिवन है 3, यहाँ पे हो जाएगा ये मिस क्योंकि 7 एग्जिस्ट नहीं करता। बारी आई 0 की, क्या 0 एग्जिस्ट करता है? जी नहीं करता, तो क्या करेंगे? ये भी मेरे लिए पेज फॉल्ट हो गया। अब बारी आई 1 की, तो 1 एग्जिस्ट करता है? जी नहीं करता, ये भी पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, मेमोरी हो गई फुल। आगे चलते हैं, अब बारी आई 2 की, क्या 2 एग्जिस्ट करता है? जी नहीं करता, तो ये भी हो गया मिस। किसको चेंज करेंगे जो ज़्यादा देर से स्टे कर रहा है? तो ये वाला ज़्यादा देर से स्टे कर रहा है, 7 की जगह लिखेंगे 2 और बाकी एज इट इज़। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आ रही आई 0 की, क्या 0 एग्जिस्ट करता है? जी हाँ करता है, तो ये हो गया हिट, तो किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अब बारी आती है 3 की, देख लेते 3 एग्जिस्ट करता है? जी नहीं करता, तो किसको चेंज करूँगा? अब मैं चेंज करूँगा 0 वाले को, क्योंकि ये काफ़ी देर से स्टे कर रहा था, तो 0 की जगह 3 बाकी एज इट इज़। ओके, अब देखो 0 का नंबर आया, क्या 0 एग्जिस्ट करता है? नहीं जी, अभी अभी तो उसको हमने निकाला ही है, तो ये हो गया मिस। और क्या करेंगे, किसको हटाऊंगा मैं? 1 वाले को, क्योंकि ये काफ़ी देर से बैठा हुआ है। अब आता नंबर 4 का, क्या 4 एग्जिस्ट करता है? जी नहीं करता, तो ये हो गया मिस। किसको हटाऊंगा आप? देखो देखो कौन स्टे कर रहा है सबसे ज़्यादा देर से, ये 2 टाइम से, ये 0 टाइम से, ये 4 टाइम से, तो 2 की जगह 4 बाकी मेरे एज इट इज़। अब बारी आती है 2 की, अब 2 एग्जिस्ट करता है? जी नहीं करता बिल्कुल भी, तो क्या करेंगे? इसको डालेंगे और किसको डालेंगे? देखो इसकी जगह ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, तो 3 वाले को डालूंगा, 2 लिखूंगा, बाकी मेरा सेम। ओके, ऐसे ऐसे आपको करते जाना है। देखो अब आगे 3 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी मिस हो गया, किसको डालूंगा? 0 वाले को। अब देखो 1 का नंबर आया, 1 भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी मेरे लिए हो गया मिस, तो किसको डालना है? अब देखो ये 2 टाइम से, ये 1 टाइम से, 3 टाइम से, तो ये 4 की जगह 1 बाकी एज इट इज़। अब आई बारी हमारे पास 0 की। ठीक है, अब 0 देखो एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, फिर से किसको डालना पड़ेगा? देखो ये 2 वाला काफ़ी देर से बैठा हुआ है इनमें से, तो 2 की जगह 0 बाकी मेरे एज इट इज़। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। 3 का नंबर आया, 3 मेरे लिए क्या हो जाएगा? हिट, तो 3 एग्जिस्ट करता है, तो देखो कितने मिस हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल हमारे पास आ गए एक फीफो के केस में 11 पेज फॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें LRU से सॉल्व करना है, तो देखो LRU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। वो ये कहता है कि भाई पास्ट में हम उसको चेंज करेंगे बेसिकली पेज को, जो पास्ट में क्या है काफ़ी टाइम सबसे पुराना पेज है जो हम रेफर हुआ था पहले। ठीक है, उसको निकालना है, तो कैसे करना है? 7 देखो, 7 अभी हमारे मेमोरी में जगह भी खाली है, पेज भी नहीं है, तो ये हो गया मिस। ठीक है, ऐसे 0 भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? मिस। 1 का नंबर है, मेमोरी में जगह खाली और एग्जिस्ट भी नहीं करता, तो ये हो गया मिस। ठीक है, जगह भर गई। 2 का नंबर आया, अब क्या करना है? रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मिस हो गया। किसको हटाऊंगा? देखो 1, देखो 1 अभी आया, 0 अभी आया, अब बचा 7, 7 पहले आया, उससे पहले काफ़ी पहले, तो उसको 7 की जगह 2, ऐसे डॉट लगा लो, आपको पता चल जाएगा कौन सा बचा आखिरी में, उसको निकाल लो और कुछ नहीं करना। 0 का नंबर आया, 0 एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया हिट। ठीक है, किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं। 3 का नंबर आया, 3 हो गया, सबसे पहले मिस लिखो, फिर किसको चेंज करेंगे? देखो 0 एग्जिस्ट करता है, 2 एग्जिस्ट करता है, बचा 1, 1 की जगह 3। ठीक है, ये बाकी सेम मेरे पास। ओके जी, आगे चलो। अब हमें क्या करना है हमारे 0 पे? अब देखो 0 में से किसको हटाऊंगा मैं? 0 एग्जिस्ट करता तो हटाना क्यों है, ये हो गया हिट, सीधी सी बात। अब आया नंबर 4 का, 4 हमारे लिए क्या हो जाएगा? मिस, तो मैं किससे हटाऊंगा? देखो
जीरो अभी आया है, तीन उससे बाद आया था, फिर बचा दो, दो तो काफ़ी पुराना हो गया हमारे पास, दो की जगह चार, बाकी जीरो और थ्री। ठीक है, अब आया देखो नंबर दो का, तो दो में से किसको डाऊंगा भाई, देखो दो में से हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, तो चार अभी आया ही था, उससे पहले दो जीरो आया, बचा तीन, तीन की जगह दो, बाकी सेम। ठीक है, यही हुआ, तीन का नंबर आया, तीन एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी हो गया। मिस तो किसे डाएंगे, दो देखो, दो चार जीरो दो में से दो अभी आया, चार उसके बाद आया था, जीरो बचा, जीरो की जगह तीन। ठीक है, ये चल गया, नंबर आया वन का, क्या वन एग्जिस्ट करता नहीं करता, तो किसे डाऊंगा, देखो तीन अभी आया, फिर दो आया था, अब बचा चार, चार की जगह एक। ठीक है जी, यही हुआ, एक तीन दो, अब देखो जीरो का नंबर है, जीरो भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे भाई, फिर से चेंज करेंगे, देखो एक अभी आया, तीन उसके बाद आया था, बचा दो, दो की जगह जीरो, तीन और एक। ओके, यही हुआ, तीन हमारे पास अब एग्जिस्ट करता, तो ये हो गया हिट। तो टोटल हमारे पास कितने मिस हो गए भाई, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इस पे आ गए हमारे पास दस एल आर यू में। ठीक है, फीफो में आए ग्यारह, इसमें आए दस। अब बात कर लेते हैं, सॉरी, अब बात कर लेते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में क्या होता है हमारे पास, कि हम फ्यूचर की बात करते हैं, हम उसको हटाएंगे, करंटली जो प्रेजेंट उनमें से हम उसको हटाएंगे, जो फ्यूचर में सबसे आखिरी में क्या हो रहा होगा, कॉल हो रहा होगा। ठीक है, देखो कैसे चलता है, पहले क्या होगा, ये मिस हो गया, ठीक है जी, सात, फिर ये भी मिस हो गया जीरो, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता, फिर वन भी मिस हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया, बारी आती है अब दो की, दो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया मिस, अब हटाएंगे किस में से, सात जीरो वन में से, तो देखेंगे कौन लेट कॉल होगा फ्यूचर में, तो जीरो आ गया देखो, फिर आ गया हमारे पास सात और एक में से, देखो कौन आएगा, एक, एक पहले आ गया। ठीक है, तो बचा सात, सात को हटा रहे हैं हम, सात की जगह दो, जीरो और वन। ठीक है, अब बारी आई जीरो की, जीरो क्या मेरे पास हिट है, तो किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, आगे चलते हैं। बारी आई तीन की, तीन मेरे लिए क्या हो जाएगा भाई, हिट हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, इसमें से तीन को हटाना है और तीन को लगाना है, दो जीरो एक में से कौन पहले लास्ट में आएगा उसको देखेंगे, जीरो देखो आ गया, दो एक में से देखो अब दो आएगा पहले। ठीक है, तो एक काफ़ी लेट आएगा, तो एक की जगह तीन, बाकी सिंपल। फिर बारी आई जीरो की, जीरो तो एग्जिस्ट करता है, पार्टी हो गई, और अब क्या करेंगे, ये हो गया हिट। ठीक है, तीन आ गया, अब आता है नंबर चार का, चार एग्जिस्ट नहीं करता, मिस, किसको हटाएंगे, दो टू, टू जीरो थ्री में से, टू देखो अभी है ही, तीन उसके बाद आएगा, बचा जीरो, जीरो की जगह चार, बाकी सेम। ठीक है, आगे चलो, दो का नंबर आया, दो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बारी आई तीन की, तीन एग्जिस्ट करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है। ठीक है, बारी आई एक की, क्या एक एग्जिस्ट करता है, जी नहीं करता, तो ये हो गया मिस, तो क्या करेंगे अब, किसको हटाएंगे इनमें से, दो चार तीन में से, देखो हमारे पास अगर तीन देखा जाए वो आ रहा है, बाकी दो और चार कोई भी नहीं आ रहा, तो इनमें से आप किसी को भी डाल सकते हो, दो की जगह मैंने लिख लिया एक, बाकी एज इट इज़। ठीक है, अब आया मेरे पास जीरो का नंबर, क्या जीरो एग्जिस्ट करता है, जी नहीं करता, तो किसको हटाऊंगा मैं, एक चार तीन में से, देखो जीरो और तीन, एक आएगा नहीं, चार भी नहीं आएगा, बचा तीन, तीन तो भाई यूज़ हो रहा है, तो तीन की जगह तो तीन ही रहेगा, एक और चार में से देखेंगे कि भाई हम किसे हटाएं, तो आपने पहले आप एक को हटाना चाहे एक को हटाओ, चार को हटाना चाहे चार को हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तीन का नंबर आया, तीन एग्जिस्ट करता है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, हिट, तो मुझे किसी को भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपने पेज फॉल्ट कितने आए, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, ठीक, इसमें आए ग्यारह, उसमें आए दस और उसमें आए आठ, तो आप अपना आंसर में ये लिख देना कि भाई फीफो में ग्यारह पेज फॉल्ट है, उसमें दस है और ऑप्टिमल में आठ है, सो देयरफॉर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम गिव्स अस अ बेस्ट रिजल्ट इन कंपैरिजन विद द फीफो एंड एल आर यू। ठीक है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन 10 मिनट लेगा, हार्डली एक पेज के ऊपर हो जाएगा, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से करना, जल्दबाजी में कोई छोटी सी भी मिस्टेक आपका मतलब ना पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत कर सकती है, तो वो जरूर ध्यान देना। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी मैंने क्वेश्चंस डाले, तो आप देखिए, सीपी शेड्यूलिंग पे भी डाले, उसे भी देखिए,
महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के भी डाले हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी डाले, बेसिकली उसे भी देख के जाइएगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा। साथ ही साथ अगर किसी को कंप्यूटर ग्राफिक्स का सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर में तो वो देख सकता है, चैनल पे वीडियो डली हुई है, आपके प्रॉपर पूरा काम आएगा। ठीक है, थैंक यू, एंड वीडियो हो सके तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।